कालाडूंगी में दो युवक नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गए। इस दौरान गश्त कर रहे वन कर्मियों ने दोनों युवकों को बचाने का प्रयास किया, जिसमें कर्मियों ने एक युवक पंकज तिवारी को बचा लिया, लेकिन एक युवक नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि बूर नदी के पार मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें युवक जा रहे थे, वहीं ये घटना हुई और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कालाडूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। लापरवाही की घटना हुई है। बोर नदी में 15 वर्ष का बच्चा था निखिल तिवारी, ग्राम पूरनपुर का निवासी था। ये बच्चा बोर नदी को लापरवाही के कारण पार कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है लापता थी और सर्च ऑपरेशन चलाया गया स्थानीय ग्रामीणों पुलिस और प्रशासन के द्वारा, और बच्चे की बॉडी मिल गई है और तुरंत इसको स्थानीय प्रशासन के द्वारा BSC कालाडूंगी लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। अग्नि कार्रवाई चिकित्सा